के लिए अगर आया तुम्हारा भाई 2014 मॉडल एक्टिवा 125 cc ब्लैक कलर की गाड़ी है। ऑलमोस्ट पूरी ही गाड़ी जेन्युइन और ओरिजिनल है, जैसे नेचुरल शोरूम ने व्हाट्सएप पे भेजी दी हम लोगों को डीबी, और हमने फोटो में देखा कि यार वाकई में गाड़ी बिल्कुल सेम वही है। तो मैं गया शोरूम पे, शोरूम से गाड़ी लेकर आया, 2014 मॉडल एक्टिवा 125 cc है। अगर इस गाड़ी की एवरेज की बात की जाए तो इस गाड़ी का जो एवरेज होता है तकरीबन होता है मतलब 40 से 45, क्योंकि और जो एक्टिवा होती है वो 40 से 35 का एवरेज यूँ देती है, 50 का भी देती है क्योंकि वो 110 cc होती है। ये जो एक्टिवा होती है ये लोडिंग वालों के लिए और स्पीड वालों के लिए होती है। जैसे कि हमें लोडिंग खींचनी है गाड़ी पे तो हम इस गाड़ी पे लोडिंग खींच सकते हैं। 125 cc का हैवी इंजन होता है और इंडिया की नंबर वन स्कूटी जो आती है वो एक्टिवा ही आती है। जैसे कि अपनी बाइकों में कर ले हम स्प्लेंडर, तो स्प्लेंडर का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हम लोग स्कूटी में अगर कंपेयर करें तो एक्टिवा का मुकाबला कोई स्कूटी नहीं कर पाती। ऑलमोस्ट हर कोई जानता है बंदा कि एक्टिवा का मुकाबला कोई स्कूटी नहीं कर पाती। तो फिलहाल लेकर आया तुम्हारा भाई होंडा की एक्टिवा 125 cc की 2014 मॉडल है। गाड़ी हर चीज़ जेन्युइन है, पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। ये जो पार्ट है रेड कलर का, ये रेड नहीं है मेहरूम कलर का पार्ट है और ये शोरूम से ही आया है, जिसमें का तीन पार्ट आए। एक मीटर का केस भी मेहरूम कलर का है, पीछे का ब्रैकेट है वो भी मेहरूम कलर का है, बाकी गाड़ी का टायर टप्पर बिल्कुल नए के नए। पूरी वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा, गाड़ी के टेस्ट ड्राइव भी दूंगा मैं आपको, और जिस भाई को बनता हो अपने आने के बाद मेरे से बातचीत करे, गाड़ी का समझ में आती है तो गाड़ी लेके जाए। और पिछला टायर की बात करें, पिछला टायर भी पूरा पूरा नया का नया डाला हुआ है और अगला टायर भी बिल्कुल नया। गाड़ी भी भाई कुछ नहीं कराना, सिर्फ गाड़ी खरीदनी है और चलानी है। गाड़ी की जो किलोमीटर है वो है तकरीबन 17 से 18 हज़ार किलोमीटर, लेकिन जो जेन्युइन चली होगी 25-30 हज़ार किलोमीटर चली होगी। गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से पता लगता है कि कम से कम 24-25 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली है। बाकी बॉडी की बात करी जाए तो पूरी बॉडी जेन्युइन है, हर चीज़ ओके। गाड़ी में भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अथॉरिटी के दोनों नंबर प्लेट है, शायद पीछे की नंबर प्लेट भी अथॉरिटी की है। हाँ, दोनों नंबर प्लेट अथॉरिटी के हैं, आगे की भी पीछे की भी। दोनों टायर ऑलमोस्ट नए हैं, पूरी एक्सेसरीज लगी हुई है, दोनों मिरर लगे हुए हैं और सीट कवर वगैरह, लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, पूरी गाड़ी की हर चीज़, जितनी वायरिंग है, जितनी जो भी कुछ है, सब कुछ चालू है, चालू है। तो कुछ नहीं कराना, सिर्फ खरीदनी है, ट्रांसफर करानी है और चलानी है। स्कूटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो है दिल्ली का और 14 में लास्ट की महीने की गाड़ी है, कैश की गाड़ी है। सिर्फ गाड़ी खरीदनी है, ट्रांसफर करानी है और चलानी है। तो भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर यूपी वाले जितने भी आते हैं या आंध्र वाले या एमपी वाले, तो भाई दिल्ली का आधार कार्ड का जुगाड़ कर कराए, क्योंकि एनओसी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। एनओसी हर स्टेट के लिए नहीं कटेगी, गाड़ी दिल्ली में ट्रांसफर होगी। तो ट्रांसफर कराने के लिए हम लोगों को चाहिए दिल्ली का एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेट होना चाहिए दिल्ली का। तो भाई चलते हैं, उस गाड़ी की पूरी वीडियो बना के दिखाता हूँ मैं आपको चारों तरफ से राउंड बाय राउंड, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि फ्रंट दिखाया और बैक और साइड के पोज नहीं दिखाए। तो स्कूटी का मैं आपको हर साइड का पोज दिखाऊंगा, तो ज़्यादा ना टाइम नहीं, तो दिखाते हैं आपको पूरी स्कूटी का पोज इसका। सो गाइस, ये गाड़ी का पास का पोस्ट जो मैंने आपसे बोला था कि एक एक चीज दिखाऊंगा आपको। गाड़ी का जो ये कलर है भाई कंपनी से ही आया, बाहर से पार्ट नहीं डाला, बच्चा का बच्चा देता है कलर, ना ही फेट पड़ता, ना ही कोई स्क्रेच पड़ती। जब भी टेप खराब हो आप टेप उतरवा दोबारा चढ़वा ले। तो टेप जो होता है वो कलर से बेहतर होता है। कलर का मसला ऐसा होता है कि 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार जाते हैं। टेपिंग का जो मसला है वो 100-200-500 में ही नहीं बढ़ जाती है गाड़ी। अभी हम लोगों की टेपिंग खराब हो जाए गाड़ी की तो 1.5 महीने में 2 महीने में 6 महीने में तो हम जब मर्जी टेपिंग उतरवा सकते हैं। जब भी हम गाड़ी की टेपिंग उतरवाएंगे उसके बाद अंदर का जो कलर निकलेगा वैसा का वैसा ही निकलेगा जैसे हमने टेपिंग चढ़ाने से पहले सोचा था। अगर हम इसमें कलर कराते तो गाड़ी की जेन्युइनिटी खराब हो जाती है और गाड़ी फिर ओरिजिनल नहीं कहलाई जाती, गाड़ी रंग पेंट। तो अभी तक इंजन में किसी ने पेशकश नहीं लगाया, जैसे शोरूम से लॉन्च होती गाड़ी वैसे की ही वैसी है। अथॉरिटी की पिछली नंबर प्लेट है, गाड़ी का नंबर तो आपको दिख ही रहा है, टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन का है। बाकी लेडीज स्कूटर्स की बात करिए तो अभी तक ये जेन्युइन ही है, अभी तक हमने डलवाया नहीं है। इसकी टेपिंग है जो मैंने आपसे बोली अभी टेपिंग कराई थी, तो हम लोग टेपिंग से ही ज़्यादा कराते हैं क्योंकि हम लोग रंग पेंट के चक्कर में नहीं पड़ते। रंग पेंट कराने का मतलब है कि गाड़ी की जेन्युइनिटी खराब हो जाती है। बाकी सारे इंडिकेटर, मीटर, हॉर्न, लाइट सब कुछ चालू है गाड़ी का। गाड़ी में ना ही कुछ खराबी है, ना ही कुछ दिक्कत है, हर चीज़ ब्लैक ही है। मैंने कुछ ऊपर से अलग से टेपिंग नहीं कराई, जो कंपनी ने कलर लॉन्च किया वही कलर है गाड़ी का अभी तक। अगर इस साइड की बात की जाए तो उसका मीटर का जो इनर है वो भी जेन्युइन है गाड़ी के साथ का, इसका भी मेहरूनी कलर है। और हम अगर छाती की बात करी जाए इसकी, तो ये जो मोनोग्राम लगा है होंडा का, ये भी शोरूम से ही आया था, बाकी लेवल भी शोरूम का ही होता है और पूरा इनर जेन्युइन भाई। सीट कवर भी बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया होंडा का बंदे ने जेन्युइन डलवाया, लोकल सीट कवर नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कंपनी के साथ का, क्योंकि कंपनी के साथ से जो सीट कवर आता है हमेशा अलग आता है, ये अलग है। ये गाड़ी का कुछ साइड का इस तरीके का पोज है।
सो गाइस ये आ गया अपना राइट साइड का इस गाड़ी का लुक, जिस तरीके की गाड़ी है ये देखो। मैंने पूरी गाड़ी का एकदम ऐसा पोस्ट लिया जैसे कि कोई फोटो वगैरह खींचे हो। तो पूरी गाड़ी जैन उन्होंने अभी तक कुछ कराना नहीं है, नहीं कुछ कराया, हर चीज ओके की रिपोर्ट में है। इस साइड से भी सब कुछ चालू है, कोई टूट फूट कोई रंग पेंट नहीं है। और पूरी गाड़ी मैं आपको बता दूँ कहीं से भी पैंट पैंट नहीं है भाई, जैसे शोरूम से आई थी वैसी है। इंजन की बात करी जाती है, इंजन का लुक हर चीज़ अलग ही दिख जाती है यार, खुली फुलाई तो, लेकिन जेनुअन तो अलग ही दिखती है भाई। तो जेनुअन चीज़ तो जेनुअन ही है, अलग ही नज़र आ रही है, जेनुअन गाड़ी है भाई। टायर दोनों नए के नए, गाड़ी में कुछ कराना नहीं है, सिर्फ गाड़ी खरीदनी है और चलानी है। तो भाई जिस भाई को मेरी वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा, मेरी वीडियो बढ़िया लगी हो या खराब लगी हो जैसे भी लगी हो, तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं मेरी वीडियो में क्या कमी रह गई ऐसी जो आप लोगों को पसंद नहीं आई, या आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बोलते हम लोग घंटा, तो भाई घंटे को जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो, कुछ कमी हो तो भाई कमेंट में जरूर लिखें, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होता है, मेरा एड्रेस भी होता है। कुछ भी दिक्कत हो आप लोगों को व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं कि भाई आपकी वीडियो में ये दिक्कत आती है या आपकी वीडियो में हमें ये समझ में नहीं आता। भाई अगर गाड़ी में समझाने में कुछ दिक्कत रह गई हो तो प्लीज़ भाई कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, या कॉल करें या व्हाट्सअप करें। कोई सी भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें।